हेलो टू ऑल, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम स्टेज पे। तो क्या आप लोग भी इंडिया के एक बिगेस्ट और ट्रस्टेड ओलंपियाड का सर्च कर रहे हैं और जिसमें कि आप लोग पार्टिसिपेट करके लाखों रुपए तक का कैश प्राइज, लैपटॉप, टैबलेट, मेडल्स एंड रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट जीतने का मौका पाना चाहते हैं? तो आज के स्टूडियो में आप लोगों को इंडिया के एक बिगेस्ट और ट्रस्टेड ओलंपियाड के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें कि आप लोग पार्टिसिपेट करके लाखों रुपये तक का कैश प्राइज, लैपटॉप, टैबलेट, मेडल्स एंड रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट जीतने का मौका पा सकते हैं। इस इंडिया के इस बिगेस्ट और ट्रस्टेड ओलंपियाड का रजिस्ट्रेशन अभी शुरू है, तो आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए आज के स्टूडियो में आप लोगों को इस इंडिया के बिगेस्ट और ट्रस्टेड ओलंपियाड जिसका नाम है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू है, इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ओलंपियाड एंड स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियोज डालता रहता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सारा कुछ मैं आप लोगों को इस इंडिया के बिगेस्ट और ट्रस्टेड ओलंपियाड, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू है, इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए, इंडिया के इस बिगेस्ट और ट्रस्टेड ओलंपियाड जिसका नाम है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू है, इस इंडियन टैलेंट ओलंपियाड में कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट बिना अपने स्कूल के रजिस्ट्रेशन के भी रजिस्टर कर सकते हैं और कोई स्कूल के हेड भी अपने स्कूल को रजिस्टर करके अपने बच्चों का इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस इंडिया के बिगेस्ट और ट्रस्टेड ओलंपियाड, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, उसके बाद इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, इंडिया के इस बिगेस्ट और ट्रस्टेड ओलंपियाड, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड में 33,000 प्लस स्कूल, 1 करोड़ प्लस बच्चे रजिस्टर्ड हैं। इसमें क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें मैथ, साइंस, जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, ड्राइंग, ऐसे एंड सोशल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स में ओलंपियाड एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। इस इंडियन टैलेंट ओलंपियाड में दो तरह के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, एक मंथली, दूसरा एनुअल ओलंपियाड एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। मंथली ओलंपियाड एग्जाम जो है ये हर मंथ कंडक्ट किए जाते हैं, जिसे आप अपने घर से लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल या कंप्यूटर का यूज करके दे सकते हैं। वहीं एनुअल ओलंपियाड साल के अंत में एक बार कंडक्ट किए जाते हैं, जिसे भी आप ऑनलाइन लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर का यूज करके दे सकते हैं या फिर ऑफलाइन अपने स्कूल में इसे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और प्राइजेज की अगर बात करें तो इसमें लाखों रुपए तक का कैश प्राइज, लैपटॉप, टैबलेट, मेडल्स एंड रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो अगर आप इस इंडिया के बिगेस्ट और ट्रस्टेड ओलंपियाड, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के बारे में और अधिक डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसके वेबसाइट www.indiantalent.org को भी विजिट करके इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। मैंने इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और इस इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाकर अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप उस वीडियो को भी देख करके इस इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस इंडिया के बिगेस्ट और ट्रस्टेड ओलंपियाड, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू है, इसमें कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट बिना अपने स्कूल के रजिस्ट्रेशन के इसमें कैसे खुद को रजिस्टर करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले बताता हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कोई स्कूल के हेड कैसे अपने स्कूल को रजिस्टर करके अपने बच्चों का इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक इंडिविजुअल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता हूं। उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसका वेबसाइट ओपन करना होगा, जो कि इसका वेबसाइट है www.indiantalent.org। इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से भी आप टच क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। तो जब ये वेबसाइट ओपन होकर के आएगा तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिलेगा और यहां पर देखिए आपको ऊपर में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का एक टैब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होता है। जैसे ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आएगा और यहां पर मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ये देखिए, आपको यहां पर जो है अप टू 30% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 1000 या 1000 से ऊपर का अगर आप परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपको अप टू 30% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि यहां पे दिया हुआ है एक्साइटिंग ऑफर्स के अंदर में। आपको किस किस कितना 5% कब मिलेगा, 10% कब मिलेगा डिस्काउंट, 20% कब मिलेगा, 30% कब मिलेगा, ये फिर यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये आप इसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये फॉर्म आपके सामने ऊपर ओपन होकर के आएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपको अपना सारे डिटेल्स फिल करना होगा, अपना अपने पेरेंट्स का डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा और यहाँ पे पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा जो कि आप का लॉगिन पासवर्ड होगा। जब आप लॉगिन कीजिएगा तो उस पासवर्ड का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप जब यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट कीजिएगा, तो जैसे सपोज डेट मैं स्टैंडर्ड यहाँ पे 7 डाल देता हूँ,
तो जो भी स्टैंडर्ड सेलेक्ट कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे मंथली ओलंपियाड, एनुअल ओलंपियाड देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप मंथली ओलंपियाड में जो कि हर मंथ ऑर्गेनाइज किया जाता है उसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिस जिस सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके इसे सेलेक्ट करना होगा। एनुअल ओलंपियाड के एग्जाम में जिस भी सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें क्लिक करके इसे सेलेक्ट करना होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर फिजिकल कॉपी चाहते हैं या सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं तो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि सारा प्राइस यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ आप देख सकते हैं। उसी तरह मंथली सॉरी एनुअल ओलंपियाड का भी सारा सब्जेक्ट का पर सब्जेक्ट यहाँ पे प्राइस इंक्लूड किया हुआ है। मंथली ओलंपियाड का भी सारा प्राइस यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। और जब आप ड्रैग करके स्क्रॉल करके नीचे आएगा तो ओलंपियाड बुक्स भी अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी एंड फिजिकल कॉपी यहाँ पे दिया हुआ है प्राइस के साथ, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा और ओलंपियाड बुक्स भी मिल जाएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा इसके प्रिपरेशन में किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिल रहेंगे, ठीक है। एक आइडिया मिल जाएगा आपको किस फिर एक टाइम बाउंडेशन किस तरह से आप एक लिमिटेड टाइम पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। और मंथली ओलंपियाड भी एक इसी तरह का मतलब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा मंथली ओलंपियाड से कि एनुअल एग्जाम में आप कैसे विद इन द टाइम सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं और उस सब्जेक्ट में आपको एक एक्सपर्टीज मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए पे एंड साइन अप है, यानी कि यहाँ पर आपको ग्राउंड टोटल अमाउंट दिख जाएगा जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस पे चेक करके आपको साइनअप पे क्लिक कर देना होगा, फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारा कुछ इस तरह से आप लोग इसमें एक इंडिविजुअल स्टूडेंट अगर आप है तो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिना अपने स्कूल के रजिस्ट्रेशन के भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब चलिए मैं बताता हूँ, अगर कोई स्कूल के हेड इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने स्कूल को इसमें रजिस्टर करके अपने बच्चों का इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो लोग कैसे कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर होम पेज पर अगेन आना होगा। यहाँ पर देखिए स्कूल रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस स्कूल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर यहाँ पर टैब पर क्लिक करना होगा। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे स्कूल ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे स्कूल का सारा डिटेल आपको फिल करना होगा, डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे मोड ऑफ एग्जाम चूज करना होगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे आना होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम इनरोलमेंट सेक्शन क्लिक हियर। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके सारा जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट में वहाँ पर आपको सारा डिटेल फिल करना होगा। फिर अगर कोई वर्कबुक चाहते हैं तो यहाँ भी आपको यहाँ पर सारा डिटेल फिल करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर चाहते हैं यहाँ सारा डिटेल फिल करना होगा। फिर यहाँ पे आपको स्टूडेंट लिस्ट भी अपलोड करना होगा, अगर उसका एक फॉर्मेट चाहते हैं आप डाउनलोड करके उसे फिल करके उसे अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड स्टूडेंट लिस्ट फॉर्मेट, इस पर क्लिक करके आप उस एक्सेल शीट को डाउनलोड करके उसमें आप फिल कर सकते हैं सारा रिकॉर्ड को और उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर आप जब नीचे आइएगा तो यहाँ पर सारा कुछ आपको ग्राउंड टोटल वगैरह दिख जाएगा और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि किस मोड से आप फिजिकल कॉपी पाना चाहते हैं इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की तरफ से फ्यूचर में, ठीक है। अब मोड ऑफ पेमेंट यहाँ से आप जितना भी टोटल अमाउंट है उसे किस तरह आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ सेलेक्ट करना होगा और फाइनल आपको यहाँ पे सबमिट कर देना होता है। इस तरह से कोई भी स्कूल खुद को इसमें रजिस्टर करके अपने बच्चों को भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी इंडिविजुअल स्टूडेंट इसमें रजिस्टर करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर कोई भी स्कूल के हेड इसमें अपने स्कूल को रजिस्टर करके अपने बच्चों को इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यही सारा कुछ था इस इंडिया के बिगेस्ट और ट्रस्टेड ओलंपियाड इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के बारे में। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है कोई क्वारी है तो आप लोग इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इस वीडियो में यही सारा कुछ था, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।